करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी उमा को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो, वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है, फैसला तो मेरे थप्पड़ नहीं कर दिया, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप। अगर मैं शादी करना चाहूँ तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ, तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट। लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तक खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब ही नहीं मालूम। गेट आउट, यहाँ से चली जाओ। गेट आउट। सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज, सूरज, सूरज प्लीज, सूरज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज, सूरज, ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज, सूरज,